बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जनरल साइंस ग्रेड 5। यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वी सी लिविंग थिंग्स ऑल अराउंड अस। अब अपने इर्द गिर्द बहुत से जानदार देखते हैं। एनी प्लांट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल वेल नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये जानदारों के बहुत मशहूर एग्जाम्पल्स हैं, मिसाल ले हैं। हो वेर देर आर सम ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो दी वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लफज दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। माइक्रो मीन वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द लिविंग थिंग्स डैट वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई। ऐसे जानदार जिन्हें हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोप क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक ख़ास किस्म का आला है। यूज़ इस्तेमाल किया जाता है प्रोड्यूसिंग अ मच लार्जर व्यू और वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए। एंड दे कैन बी सीन क्लियरली, और ये वाजिया भी नज़र आते हैं वाजिया देखने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सेल वाले भी हो सकती हैं और में है मोर देन वन सेल, और एक से ज़्यादा सेल्स भी हो सकते हैं। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इन्वायरमेंट, ये आपके माहौल में जो है बहुत ज़्यादा तकसीम हुए हुए हैं। ये आपको हवा में, मिट्टी में, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल्स में, फूड में मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। शॉर्ट क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये पहले दो लाइनें आपने करनी है और उसके बाद नीचे वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला पैराग्राफ है इसकी फर्स्ट 3 लाइन्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन है। उसके बाद है डिफाइन माइक्रोस्कोप, तो ये माइक्रोस्कोप इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद है वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनवायरनमेंट एंड आर फाउंड इन द एयर सॉइल डस्ट फूड, यहाँ तक आपने करना है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद भी करने हैं, अपनी नोटबुक के ऊपर भी लिखनी है।